नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साल 2023 का सबसे बड़ा और आखिरी भयंकर सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में और कई राशियों पर भयंकर प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिस वजह से शनिदेव कई राशियों पर अपना भयंकर प्रभाव डालने वाले हैं। वही कई राशियां ऐसी हैं जिनकी काफी सालों के बाद से किस्मत चमकने वाली है और उनकी लॉटरी लगने वाली है। आखिर कौन कौन सी है वह राशियां जिनका भाग्य उदय होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा, इसका सूतक समय क्या होगा और इस दौरान वह कौन से पांच कार्य हैं जिनको आपको करने से बचना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह भी आज वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और यदि आप भी अपने जीवन में सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस ग्रहण के प्रभाव से देश में काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। दोस्तों, 14 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कब कहां, इसका सही और सूतक काल, इसके अलावा कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेगी और किस प्रकार का प्रभाव सभी राशियां पर पड़ेगा, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको सारी जानकारी देंगे, इसके साथ ही ये भारत के कौन से हिस्से में दिखाई देगा और किन किन देशों में भी दिखाई देगा, ग्रहण कल का सूतक काल का समय और ग्रहण काल में बढ़ती जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही उन सभी शुभ कार्यों के बारे में भी बताएंगे जो वर्जित रहता है और जो करने योग्य है। दोस्तों, ग्रहण कल के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपको निश्चित तौर पर इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अपने जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए इसका पूरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो होगा वह मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर यह छह राशियों पर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पड़ने वाला साल 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। यह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अटलांटिक कई देशों में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करें यदि सूतक काल की, कल यानी रात 8:34 से शुरू होकर दोपहर 2:05 तक रहेगा, यानी कि सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 से ही प्रारंभ होगा। दोस्तों, सूतक काल में यानी बच्चे और रोगी जो बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं, इन्हें छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान खाने पीने के पदार्थ में तुलसी दल रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय गर्भवती महिला लिक्विड के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी जब तक ग्रहण पड़े उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहां तक कि चौखट और दहलीज भी नहीं लांघना चाहिए। साथ ही सुई, कैंची, चाकू, छुरी का इस समय यानी जो धारदार वाली जो चीज है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित है, यानी जो काटने वाली चीज हो उसको बिल्कुल नहीं छूना है। ग्रहण काल में सोना और भोजन दोनों ही वर्जित है, यानी आप तो खाना खाना है ना ही सोना है। दोस्तों, ग्रहण काल में आपको काफी महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए, खास तौर पर कोई भी ग्रहण का सूतक काल लगता है दोस्तों, खासकर साल 2023 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा, जिसका असर यानी कि सभी राशियों पर देखा जा सकता है। लेकिन खासकर दोस्तों, ये जो छह राशियां हैं ये बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। इनको धन का अंबार वाला है, यानी धन का खजाना मिलेगा, साथ ही साथ ये करोड़पति भी बनने वाली है। जरूरतमंद लोगों को दोस्तों इस सूर्य ग्रहण में दान करना आपके लिए शुभ माना जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते और ग्रंथों के अलावा सूतक काल में पूजा पाठ और देवी देवताओं की तो मूर्ति को भी छूना वर्जित है।
इस दौरान कोई भी शुभ काम बिल्कुल ना करें, अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। इस दौरान आप दान कर सकते हैं, जैसे कि अनाज वगैरह का। और दोस्तों, इसमें तुलसी के पत्ते का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 का यह लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। यह आपके जीवन में पैसे से जुड़े, धन से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो, आपको छुटकारा दिलाने वाला होगा। परंतु यह सूर्य ग्रहण हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों के हाल। तो कौन कौन सी है वह भाग्यशाली राशियां जिन्हें ग्रहण के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए और यह करोड़पति भी बनेगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में सबसे पहले राशि आती है यहां पर राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की यदि बात करें तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण वृषभ राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण आपके धन की आय को बढ़ा सकता है। इस सूर्य ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आय के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी जॉब के लिए किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपको खुशियां तो प्राप्त होगी, साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली जो राशि आती है वह राशि है मकर राशि जी। हां दोस्तों, यहां पर यदि हम बात करें मकर राशि वालों की, तो यदि आप निवेश करना चाहते हैं, यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं व्यवसाय में, तो आप यह समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहां जा सकता है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से फिर से मेल मिला कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है। आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि जी। हां दोस्तों, बैंक से यानी कि लोन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अचानक से आय के नए नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशि वालों मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ जिम्मेदारी भी मिलेगी और आप अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा बढ़ेगी। दोस्तों, अगली जो राशि आती है दोस्तों वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन जरूरत पैसों की पड़ रही है, तो आपको अचानक से कहीं से धन का भी लाभ हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत या सुधारने में काफी अहम साबित होगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलता के नए नए स्थापित करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों की प्रेम संबंध में काफी मधुरता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए ये महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ ये समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है। आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है। वही दोस्तों, यहां पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकाल सकते हैं। आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहां पर आपको शुभ परिणाम दायक कहा जा सकता है। अगली जो राशि है दोस्तों वह है सिंह राशि जी। हां दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों को इस ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनको धन से संबंधित चीजों का लाभ होने वाला है। यदि आप ऐसा कहीं लगते हैं जैसे लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा। यदि किसी से मनमुटाव चल रहा है तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर भी बैठ सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां आप पर भी बैठ सकती हैं। समझने का प्रयास करें और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने में सहायता करेगा। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव
या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। दोस्तों, यहां पर यदि हम अगली राशि की बात करें तो अगली राशि रहने वाली है धनु राशि। जी हां दोस्तों, ग्रहण का जो प्रभाव है वह धनु राशि वालों पर रहेगा। आप अपनी संतान को लेकर चिंतित थे, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वाद संवाद भी आपका लोगों के साथ होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी या जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध है उनसे संबंध बनाए रखने की जरूरत है। संतान के से आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं और संतान की तरक्की से भी ये ग्रहण आपके लिए धनु राशि वालों शुभ साबित होगा। आपको ये ग्रहण धन से संबंधित कई चीजों में मुनाफा देगा, यहां तक कि गुप्त धन आपको दिला सकता है। यहां तक कि किसी गुप्त धन के चलते आप करोड़पति बन सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। दोस्तों, धनु राशि वालों, आप अपने सुख सुविधाओं के साथ धन ऐश्वर्य में, धन दौलत में भी वृद्धि करते नजर आ रहे हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो दोस्तों, साल 2023 में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अगली राशि जो है, जिनको सावधानियां बरतनी है वह है, मगर राशि आपके यहां पर बेहद सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपको दुर्घटनाओं से बचाना है, आपको किसी भी लेन देन से बचना पड़ेगा। लेन देन के मामले में सतर्क रहें, कर्ज उधर बिल्कुल ना दें। हालांकि आपको रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने की योग्य बना रहे हैं। धन दौलत वृद्धि होगी, आपके धन में आय में बढ़ोतरी हो सकती है। आप बिना किसी जॉब के भी धन कमा सकते हैं। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सोच समझ कर कार्य करें और वैवाहिक जीवन भी खुशमय रहने वाला है। लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है, कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ चीज आपके लिए बेहतर है, कुछ चीज नहीं है, उसे आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण में आप सूर्य से संबंधित मंत्रों का जितना हो सके उतना जाप, और दोस्तों सूर्य से संबंधित आप जैसे कि पुराणों या उनकी कथा वगैरह पढ़िए। दोस्तों, आपको इस समय और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मित्रों का जाप करें, मंत्र स्तोत्र का जाप करें, यानी ग्रंथों को पढ़े, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो कुल मिलाकर ये छह राशियां हैं जो करोड़पति बनने जा रही हैं सूर्य ग्रहण में। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।